हमारी आजादी का ये मफहूम हरगिज नहीं है जैसे आपने समझ लिया है कि मसलन जब ये दिन आता है तो हम खुद खेलते हैं। हमारे नौजवान बड़े बड़े होटलों में शराबें पीते बदकारियां करते हैं, हमारे हमारा पहले से बुकिंग करा लेते हैं होटलों में और वहां वो सब कुछ होता है जो काफिर कर सकता है। किसी को एहसास नहीं होता कि ये जो आज का दिन है इसको मनाने का क्या मतलब क्या है। क्या आज का दिन मनाने का मतलब यह कि आप शैतान की बंदगी करें, रहमान की बंदगी से कोई आप आजाद हो गए, वो तो आप पहले भी आजाद थे। आज का दिन को तो ज़ाहिर को फर्क होना चाहिए ना, लेकिन हमने उस फर्क को नहीं समझे। और जो आदमी ये जिसको अगर आप ये समझाएं कि आज के दिन का मतलब ये है कि हमने अहद किया है अपने अल्लाह से कि अगर तू हमें एक आज़ाद मुल्क दे दे तो उस खित्ता ज़मीन पर हम तेरी बंदगी करेंगे और तेरे अहकाम को नाफिज करेंगे, ये हमने अहद किया था, हमें वो करना चाहिए। तो लोग बाज़ अब पलट के ये पूछते हैं कि क्यों जी पहले हम मुसलमान नहीं थे, अब हम नए सिरे से मुसलमान होंगे? क्या पहले हम नमाजें नहीं पढ़ते थे? इस्लाम तो पहले भी हमें मौजूद था, सिर्फ यह कि वहां में रोटी नहीं मिलती थी, वहां में नौकरियों में पूरा कोटा नहीं मिलता था, हमें सर्विस में पूरा हक नहीं मिलता था, इसलिए हमने मुल्क आजाद मांगा था। यह कहां आपने सीखा कि हमने पहले मुसलमान नहीं थे, अब मुसलमान, अब हमें मुसलमान होने का होकर जिंदगी गुजारनी है इस्लाम के मुताबिक? ये तो आपके अपने ढकौसले। इकबाल ने उसी हवाले से कहा था कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, वो कहता मैं तो नमाज पढ़ लेता, मुझे कौन रोकता, अंग्रेज रोकता कि नमाज ना पढ़ो। कि मुल्ला को जो हिंद में है सजदे की इजाजत, नादान ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। इस्लाम सिर्फ क्या नमाज पढ़ाने का नाम है? इस्लाम तो पूरे निजाम को नाफिज करने का नाम है। और यह जाहिर है कि किसी भी गैर इस्तेमारी कुव्वत के होते हुए ये काम हम नहीं कर सकते थे। इसकी हमें अल्लाह ने आजादी दी है तो हमें सबसे पहले यह काम करना था कि हमें सबसे पहले अपने तालीमी अदारों को वो तालीमी निजाम देना था जिसकी बुनियादें कुरान और सुन्नत से उठाई जाए। हमें अपनी सर्विसेज को उस तरह का बनाना था जैसे बाकी मुसलमान जो सर्विस करते हैं अपने मुल्क की, तो जो उनका तौर तरीका होता है, यानी जिस तरह अबू बकर उमर ने काम किया और उनके माता है लोगों ने काम किया, तो हमें वो तरीके इख्तियार करने थे। इसे हुक्मरान हमें वैसे बनाने चाहिए थे जैसे अल्लाह के रसूल ने अपने पीछे हुक्मरान छोड़े थे। यानी हमें यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन दुश्मन ये बात समझता था। गांधी ने मुल्क की आजादी के बाद जो बयान दिया था, अगर ये हिंदू अखबार ने उस पर बहुत वाबेला किया, लेकिन उसने ये बात कही थी कि हिंदुस्तान वालों मैं तुम्हें यह बात कहना चाहता हूं कि अगर तुम इस मुल्क को वाकई आजादी के साथ कामयाब ममलकत बनाना चाहते हो, रिफाही ममलकत, तो फिर तुम्हारे सामने अबू बकर उमर का तरीका है, उसको इख्तियार कर लो तो तुम वाकई कामयाब मुल्क बनाने में कामयाब हो जाओ। तो बहुत शोर मचाया हिंदू प्रेस ने कि क्या आपके पास और कोई मिसाल नहीं थी? उनका तुम बता दो कोई मिसाल है तुम्हारे अपने सारी तारीख में, तो मैं वो मिसाल दे देता हूं। मुसलमानों ने रिफाही ममलकत बना के दिखाई और उसका नमूना हमारे पास अबू बकर उमर की हुकूमत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यानी जो बात गांधी को समझ में आई वो हमें समझ में नहीं आई। यानी हमने पहले दिन से लेकर आज तक, मैं तो बात में हैरान होता हूं कि शौकत हयात साहब जो मुस्लिम लीग के बड़े अहम रुकन थे और सिकंदर हयात का वो बेटा था, वो गिरफ्तार हो गया था, फौज में होता था, कैप्टन था, और गिरफ्तार हो गया जिनकी अजीम में बड़े बड़ी कोशिशों से अंग्रेज को कहकर उसके बाप ने उसे छुड़ाया, फिर वो मुस्लिम लीग में आ गया। तो माशाल्लाह जब वो तकरीर करता है शौकत इस्लाम के नारे लगा करते थे और उठते बैठते वो कहते मुस्लिम की कहते क्या थे कि ये जो हम मुल्क बना रहे हैं ये असल में इस्लाम का मुल्क होगा, ये मुसलमानों का मुल्क होगा, या इस्लाम की बालादस्ती होगी या इस्लाम की हकमियत होगी। बल्कि एक दफे जब कहा जाए उनकी मौजूदगी में अपने सरदार बहादुर यार जंग ने इस्लाम पर एक मुफस्सल तकरीर करने के बाद कहा कि कायदे आज़म ये है मेरी निगाह में उस मुल्क का नक्शा जो इस्लाम के मुताबिक हम बनाना चाहते हैं, तो अगर आप इसी तरह का मुल्क बनाएंगे तो मैं आपके साथ हूं, और अगर इस तरह का मुल्क नहीं बनाएंगे तो मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो कायदे आज़म ने कहा कि आप अभी से मुझे चैलेंज क्यों कर रहे हैं, मुल्क ऐसा ही बनेगा, कहां बना। वो जो भी शायर ने कहा था ना कि हम बदलना चाहते थे नज़्म मैखाना तमाम, और आपने बदला है लेकिन एक मैखाने का नाम,
कि हिंदुस्तान बजाय पाकिस्तान नाम रख दिया, कि मैखाना ना हुआ उसको आप नाम मस्जिद रखते, लेकिन उसमें शराब पीते रहे तो क्या मस्जिद बन जाएगी? आप कोई सा काम कहें जो हिंदुस्तान में होता तो अब यहां नहीं होता। अजीब बात यह है कि यहां एक दिन अखबार में किसी गैर मुस्लिम ने लिखा था कि यह अजीब मुल्क है कि यहां शराब पीने पर पाबंदी है लेकिन शराब कशीद करने पर नहीं। भट्टियां लगाने की आजादी है, शराब बनाओ बेचो, तुमसे अगर ईसाई खरीदे हमें कोई एतराज नहीं, और होटलों में तो बाकायदा परमिट जारी किए जाते हैं। इसको कहते हैं इस्लामी मुल्क? यह शेर जो कारोबार है सरासर कुमार और जुआ है, लेकिन जिस तरह गैर मुल्कों में होता हमारे यहां भी होता। यह सिक्टर का कारोबार जो कराची में बैठकर बड़ी बड़ी कंपनियों बैठकर करते हैं, ना कोई लेते हैं ना देते हैं, ना पैसा दिया ना कोई मोबी खरीदी यानी कोई चीज ली, और रातों रात लाखों पति बन जाते हैं। और जब नुकसान होता भी करते हैं, इतना पैसा डूब गया आया कहां था, डूब इसलिए जाना था मारे हराम रहे हराम रखते। तो कहना यह कि हम हर लिहाज से जो कुछ कर रहे हैं उसमें कहीं भी इस्लामी मुल्क दिखाई नहीं देता या इस्लाम दिखाई नहीं देता। और जब कुछ लोगों ने इस्लाम से हटकर मुल्क की आजादी के लिए कोशिश की बल्कि खिलाफत के लिए कोशिश की, जिनमें मौलाना मदनी जौहर जैसे नामवर लोग भी मौजूद थे, तो आपको याद होना चाहिए कि अल्लामा इकबाल ने यह लिखा था कि अगर मुल्क हाथों से जाता है जाए तू अहकाम हक से न कर बेवफाई। कि मुल्क ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन हम अल्लाह के अहकाम को नहीं तोड़ सकते, यानी अहकाम हक बरतन है मुल्क से। हमने समझा कि मुल्क को बचाना है ना, मुल्क को चलाना है, अगर वह सूद पर चलता है तो सूद पर चलाओ, अगर अपनी सॉवरेंटी से आजाद होकर अपनी सालमियत को दबा करके और अपनी इंडिपेंडेंसी को दबा करके अमेरिका की खुशामद करके बचता तो बचाओ। यानी जिस तरह भी तुम मुल्क बचा सकते, मुल्क क्या बचा सकते हो, तुम अपना इख्तदार बचा सकते हो तो बस तुम्हें वो काम करना चाहिए। इसे मैं यहां तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, बखाब फैलती जा रही है बात, कि हम जो मुल्क हमने जो मुल्क बनाया था ना, तो ये बात अब अगरचे भूलती जा रही है, बुराई भी जा रही है कि यह मुल्क इस्लाम पर बना के नाम पर बना था। और जैसे मैंने बताया कि जिसके नाम के शौक थे इस्लाम के नारे लगते थे, उसने अपनी आखिरी उम्र में अपना आखबल की तैयारी की उस अल्लाह के बंदे ने, और उसने कई दफा यह बयान दिया कि गलत कहते हो तुम कि हमने इस्लाम के नाम पर यह मुल्क बनाया था, हमने तो माशियात की वजह से मईशत की वजह से और रोटी का मसला हल करने की वजह से बनाया था। पढ़े लिखे लोगों, मैं आपकी रहनुमाई के लिए बात कहता हूं कि इसका मुसव्विर तो इकबाल था, उसकी खतों के दौर पढ़ के देख लो जो कायद आजम से हुई, उसमें उन्हें सराहतन ये बात लिखी थी कि अगर आप इस्लामी शरीयत को नाफिज कर दें, मुल्क अल्लाह आपको दे दे और इस्लामी शरीयत को नाफिज कर दें। मैंने जो इस्लामी कानून का गौर से पढ़ा है तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अल्लाह की हाकमियत को कायम कर देने के बाद रोटी का मसला खुद बखुद हल हो जाता है। यह इकबाल जैसा मुफक्किर कहता है यह बात, और मैं तो ज़्यादा वक़्त फिक्र नहीं रखता, मैं तो सिर्फ मिसालों से यह बात कह सकता हूं कि देखिए जिस मुल्क में अल्लाह के रसूल ने इस्लाम नाफिज किया था, यानी हुजूर ने नबुव्वत के जोर से अल्लाह की हाकिमियत कायम की थी जज़ीरे अरब में, उससे ज्यादा भूख किसी मुल्क में नहीं थी। लेकिन क्या हुजूर में भूख का इलाज नहीं हो गया था? और क्या राष्ट्र के जमाने में जो हुजूर ने पेशगोइयां फरमाई थी क्या वो पूरी होती लोगों ने अपने आंखों से नहीं देखी थी? कि लोग जकात का माल झोलियों में डालकर ढूंढते फिरते थे कि कौन मेरा माल लेगा, कुछ जकात लेने वाला नहीं मिलता था, इतनी खुशहालियां आ गई थी। आप उमर बिन अब्दुल अजीज की तारीफ पढ़ के देख लीजिए कि उससे पहले हज्जाज बिन यूसुफ ने इराक में हुकूमत की और उसने इस कदर टैक्स लगाए, हत्ता के चूड़ा टैक्स भी लगाया उसने, कोई इंतहा नहीं थी। इसके बावजूद आमदनी 50,000 अशरफी से आगे ना बढ़ी पूरे इराक की। और लेकिन जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर आया तो उन्हें पहले साल ही बैठते ही हुकूमत पर सारे टैक्स खत्म कर दिए, और पहले साल आमदनी गालिबन 2.5 लाख अशरफी तक पहुंच गई और दूसरे साल में इससे भी ज्यादा। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने फरमाया कि हज्जाज बिन यूसुफ अल्लाह का नाशुकरा बंदा था, ना उसको दीन की समझ थी ना दुनिया की,
वो समझता है लोगों पर जुल्म करके टैक्स लगाकर शायद आमदनी बढ़ाई जा सकती है। तुम्हारे सामने है, तुम देख लो अपनी आंखों से कि हमने हर जुल्म खत्म किया, आमदनी अल्लाह ने बढ़ा दी। और ये बात तारीख में साबित है कि उमर बिन अब्दुल अजीज के 2-2.5 सालों में जितनी बारिशें हुई, जितनी फसलें हुई, जितना बड़ा यानी साइज बड़ा गल्ले का भी और साथ खजूर का भी, हत्ता के अनार का भी, इससे पहले ना उसके बाद कभी लोगों ने देखा था। यानी अनार पड़ते से लोग निचोड़ते थे, ग्रास बढ़ जाता था अपने हाथों से। और किसी गांव में जाते थे ना वो, तो गांव वाले उनको दूध पेश करते, वो कहते नहीं मुझे तो पानी चाहिए। उन्होंने कहा अब दौर है खिलाफ से, रास्ता पलट आई है, अब तुम्हें पानी नहीं तुम्हें दूध मिलेगा हर जगह। अल्लाह ने ऐसा खुशहाल किया था मुसलमानों, क्यों वाकत उनमें से कोई आदमी गरीब नहीं रह गया था। लोग तलाश करते थे कि पिछले साल मैंने जिनको जकात दी थी उसमें मैं जकात दूं, तो वो जब उसके पास जाते थे वो कहता आप तो मैं जकात देने के खुद काबिल हो गया। आखिर ये क्या बातें थी? अगर आप इसका इनकार करेंगे तो इसका मतलब तारीख पर एतमाद खत्म हो जाएगा। ये तो सिका लोगों से ये बातें हम तक मुंतकिल की, वो गलत बातें नहीं है। तो खैर कहना ये है कि हमने ये मुल्क मांगा था तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर मांगा था, इस्लाम के नाम पर मांगा था, और यह वादा किया था अल्लाह से कि या अल्लाह अगर तू हमें यह मुल्क दे देगा तो यहां इस्लाम नाफिज करेंगे। वो तो खैर बहुत दूर की बात है, बहुत तूफान निकल गया, लेकिन 73 के आईन में भी हमने यह वादा किया था कि जितने हमारे मुल्क में गैर इस्लामी कवानीन हैं वो 7 साल के अरसे में खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन बताओ उनमें कोई खत्म हुआ? ज़ियावा का दौरा है, उन्हें बहुत कुछ, मैं मानता हूं उन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन मालियाती मामलात को उन्होंने भी हाथ ही लगाया, हद तक पाबंदी लगा दी। उन्होंने करारदाद मकासद को दीबाचे का दर्जा दिया ताकि इसकी हैसियत वही हो जो मुल्क आइन के बाकी शिक्कों की है। तो माशाल्लाह हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों ने, उनमें एक दफा मैंने बात की, वो यहां बैठे हुए भी थे वो साहब, अब मैं नाम लेना मुनासिब नहीं सभी तक, जो चीफ जस्टिस रहे, तो उनका नाम लेकर मैंने ये बात कही थी उनको सुनाकर कि इन्होंने अपने फैसले में ये बात लिखी थी कि एक शिक दूसरी शिकों पर असरअंदाज नहीं हो सकती। अगर करारदाद मकासद में अल्लाह की हाकमियत बात की गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बाकी आइनों से मुतासर हो जाए, तो सारा बेड़ेगर हो गए। यानी जिन लोगों ने इखलास से मगर वो काम किया था तो खत्म हो गया। इसलिए एक तो खुदा के लिए इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि हमने 63 साल जो गुजारे हैं, होना तो ये चाहिए ना कि आदमी जिस काम के लिए मुल्क बनाता है या घर बनाता है तो 63 साल के बाद जायजा ले तो पता चले कि 63 कदम वो आगे बढ़ चुका है। लेकिन हम जहां से चले थे 47 में जितनी हमारे अंदर शराफत थी, जितना अल्लाह का खौफ था, जितना एक दूसरे के साथ बाहमी ताल्लुक था, जितनी मुल्क के साथ मोहब्बत थी, जितने हम मुहब्बे वतन थे, यकीन जानिए उससे 63 कदम हम पीछे हट गए। यानी हमने एक आजाद मुल्क लिया था, अब हम गुलाम मुल्क में बस रहे। यानी कहीं को वाकया पेश आता है ना तो गैर मुस्लिमों की जानों की फिक्र की जाती है, मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं। मैं गोयरे का रहने वाला हूं, अगर जब बहुत साल हो गए मैं वहां से आ गया हूं, लेकिन वहां के दोस्त अहबाब और अजीज तो आते रहते, मैं जानता हूं वहां जो वाकया हुआ उसकी बुनियादें क्या है और किन लोगों ने ज्यादती की। और मैं कहता हूं जो इतराज मुझ तक पहुंची है, मैं पूरे वसूख से यह बात कहता हूं कि वहां कुरान करीम की बेहुरमती की गई है। इसके बावजूद हो क्या रहा है कि 300 मुसलमान गिरफ्तार हो चुके, 3 उलमा पर तशद्दुद किया जा चुका और बिलावर मुकदमे बनाए जा रहे हैं, दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए जा रहे हैं। और हमारा वजीर आला और हत्ता के वजीर आजम तक ये वहां जाते हैं, उनको कई कई लाख रुपया दे के जाते हैं और उन मुसलमानों का कोई प्रसार हाल नहीं जिनको पढ़ के अंदर बंद कर दिया गया। ये क्या हमारा अपना मुल्क है? मुझे याद पड़ता है एक दफा मैं जिन दिनों में जेरे तालीम था सऊदी अरब में, तो खैर स्टूडेंट्स को तो हर जगह ज्यादा मुराद मिलती है, लेकिन वहां हमारे एक मिलने वाले थे, दोस्त बन गए थे, वो वहां इंजीनियर थे। हम इत्तेफाक से खैबर देखने के लिए गए थे, वो भी खैबर देखने गए हुए थे, तो हम अपनी गाड़ी से गए, वो अपनी गाड़ी से, हम पलट आए तो अगले दिन वो मिले तो बड़े परेशान थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने के वहां मुझे पुलिस से रोक लिए, ड्यूटी उनकी मदीना मुनव्वरा में थी,
हालांकि देखिए ना, एक मुल्क किसी मुल्क को अगर अपॉइंट कर लेता है तो उसको बहुत सारी मराद मिल जाती है, वो उसके तारीखी किलों को देख सकता है, हर जगह जा सकता है। उन्हें रोक लिया, उन्होंने कहा तुम कहाँ से आए? उन्होंने कहा मैं इंजीनियर हूँ, मदीने में काम करता हूँ, पाकिस्तानियों का यहाँ क्या लेने आए? उन्होंने कहा ये तारीखी जगह, इसको देखने आया हूँ। उन्होंने कहा तुम जहाँ मुलाजमत कर रहे हो ना, तो उससे बाहर नहीं जा सकते, तुम अपनी जगह काम करो, यहाँ तुम्हें आने का क्या मतलब? कहा बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे जान छुड़ाई। तो मुझे उसका फिक्र आज तक याद है, उसने कहा कि अगर यहां हरम ना होता ना, ये हरम नबवी है और मक्का मस्जिद में हरम मक्की, तो कहा मैं इस मुल्क में एक दिन भी ना रहता। यहां अगर याद आता कि अपना मुल्क क्या होता, लेकिन मैं कहता हूं आपको मुझे कभी मिले ना, मुझे नहीं मालूम यहां है या नहीं, वो मुझे नहीं जिंदा भी है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मिले तो मैं सब पूछूं कि क्या ये मुल्क अपना मुल्क है? ना जान सलामत, ना माल सलामत, ना इज्जत सलामत। पुलिस को खुली छूट दे दी गई है, वो जिसके चाहे पकड़ी उछाल दे। और भी बात, तबकों ने ये देखा देखी मार्गुटाई का काम शुरू कर दिया, यानी कुछ भी महफूज नहीं है। ऐसा लगता है कि हम किसी और मुल्क में रह रहे हैं, बल्कि जो अमेरिका वगैरह से कनाडा दूसरे मुल्कों से आते हैं तो वो यहां आकर कहते हैं कि जनाब वहां हमें जो तहफ़ुज़ात हासिल है वो तुम्हें यहां नहीं है। वहां पुलिस हमें इस तरह हाथ नहीं डाल सकते, अदालतों में जाकर भी इंसाफ मिल जाता है। ये ठीक है कि मुसलमान से तरजीही सलूक हो रहा है, इसके बावजूद भी हम शब्द समझते हैं कि हम तुमसे अच्छे दिन गुजार रहे हैं। अंदाजा करें जरा कि हम अपने मुल्क में रहते हुए मुल्क से बेगाना, और उसकी वजह क्या है? यह मुल्क आजाद नहीं, हमारी अपनी मर्जी नहीं चलती। असेंबली एक नाम की असेंबली है, हमारे जो हुक्मरान है वह नाम के हुक्मरान है, काम को ऊपर से हुक्म आता है बेचारे उसकी तामीर में लग जाते। यह हमें अल्लाह ने सजा दी है। हुजूर में आया था ना कि अगर तुम अल्लाह के दीन से बरगश्ता हो जाओगे ना, खुदा तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत करेगा। ये जालिम हुक्मरान जो हम पर मुसल्लत किए गए हैं, और हर दर्जा में, सिर्फ यही नहीं कि ऊपर वफाकी हुकूमत में, किसी सतह पर भी आप सूबाई हुकूमत में भी और वफाकी हुकूमत में भी, हत्ता किसी दफ्तर में चले जाए, आपको एक क्लर्क बादशाह घास ही ना दे। यानी मुझे कई दफे बाद बातें याद रह जाती हैं कि मेरा लड़का इस वहां पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और वहां बस उसकी अपनी एक हैसियत थी, इस्लामी जमीयत तलबा का नाजिम भी था, लेकिन मुझे उससे कोई इस लिहाज से कोई मामला नहीं, कोई ताल्लुक नहीं था। एक दिन ऐसे ही एक मेरे पास आया और आगे रुका दिया मुझे कि आपको थानेदार ने बुलाया। मैंने कहा थानेदार साहब ने मुझे क्यों बुलाया? मैंने कोई जुर्म किया तो आप समझ रहा है, गिरफ्तार करें, मुझे वारंट जारी कराए ना, मैं किस लिए आपके थाने में जाऊं? मैं जानता हूं थाने में जाना कोई अच्छी बात तो नहीं है। कहने लगे जी आपका बेटा वहां, चूंकि एक तहरीर चल रही है असेंबली पंजाब यूनिवर्सिटी में, और उसमें असातिज़ा तक भी शरीक थे, और वो हक बजाने थे, तहरीर चल रही पुरानी बात है, इसी उन्होंने आपके बेटे के हवाले से आपके बात करने के लिए बुलाया। मैंने कहा तो देखिए मेरा बेटा एमए में पढ़ता, वो मैच्योर लड़का, और भाई ये तहरीक वो तनहा नहीं चला रहा, तमाम स्टूडेंट्स का एक दावा नारा है, और उनके साथ असातिज़ा भी है, तो अगर आप बाकी समझते हैं कि मेरा बेटा इसमें कोई गलती कर रहा, आप उसको गिरफ्तार कर लो, मुकदमा चलाया इस पर। मैं तो उसके मामला का जिम्मेदार नहीं हूं ना, मैं तो यूनिवर्सिटी में हूं भी नहीं, मैं रिटायर हो चुका, तो मैं किस लिए आऊं वहां? मैंने कहा एक तो इसलिए कि मेरे बेटे का मामला था, मैं उसमें जिम्मेदार नहीं, और वो पढ़ा लिखा आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। और दूसरा मैंने उनसे कहा कि किसी को थाने बुलाया जाए ना, तो दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि एक इंतहाई पढ़ा लिखा आदमी, जो प्रोफेसर के रैंक का आदमी हो, डॉक्टर पीएचडी हो, उसको पुलिस का एक आदमी बुलाने की जरूरत करिए, दुनिया में कहीं नहीं होता। अब मेरा और उसका क्या मुकाबला? जिस ग्रेड में मैं रिटायर हुआ, मेरा ग्रेड के एतबार से उससे कोई मुकाबला है? वो किस हैसियत में वो साहब मुझे बुला रहे? उन्हें चाहिए था कि उनको कोई एतराज था, यहां वो तशरीफ लाते, मैं उनको चाय पिलाता, मैं इज्जत से बिठाता, उनसे मैं डिस्कस करता, लेकिन मैं आप कह लेंगे जी आप नहीं जाएंगे, मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, चुनाचे मैं नहीं गया। लेकिन मुझे बाद दोस्तों ने कहा कि अल्लाह ही खैर करे, इन लोगों से किसी खैर की तवक्को नहीं, वो तो अल्लाह ने खैर की, न जाने उनको क्या ख्याल आया, तो उन्होंने मुझे दरगुजर कर दी, वरना पुलिस से कुछ बच निकले ये तो नामुमकिन सी बात, उनको इसकी बात की कोई परवाह नहीं।
देखो आदमी कितना पढ़ा लिखा है, उसकी माशरती हैसियत क्या है, वो किस हैसियत में काम करता रहा, उनको बिल्कुल परवाह नहीं। तो मैं किस बात का रोना रहूं, आप किसी बात को छेड़ के देख लें, ताजरों की बात कर लें, अपनी ब्यूरोक्रेसी की बात कर लें, किसी की बात कर लें, हर जगह आपको पानी मरता हुआ दिखाई देगा। यूं मालूम होता है कि हमने कोई शोभा ऐसा नहीं छोड़ा जिसको हमने फसाद की नजर न कर दिया। और यह इसलिए हुआ है कि हमने जो निजाम तालीम अपने मुल्क में चलाया उसमें ज़ाहरा इंसान बिगड़ता चला गया, उसमें ज़ाहरा तो पढ़े लिखे लोग जब वहां से एक फिक्र लेके निकलते हैं और उसी हवाले से वो दूसरे जिंदगी के शोबों में जाकर काम करते हैं, तो जो वहां से सीख के निकले हैं वो उसके मुताबिक ही काम करेंगे। इसे खुदा के लिए इस बात को समझ लीजिए कि हमने ये मुल्क अल्लाह के दीन के लिए मांगा था कि वो हजार इनकार करें, लेकिन अभी वो नस्ल के कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने अपने कानों से नारे सुने थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो पाकिस्तान का मतलब था ना, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह के शायद आपको मतलब नहीं मालूम। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि जिस तरह अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है ना, किसी के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता और इबादत नहीं की जा सकती, बिल्कुल इस तरह अल्लाह के सिवा कोई हाकिम मुतलक भी नहीं। इबादत भी मस्जिदों में आकर उसी की होगी, अदालतों में फैसले भी उसी के कानून के मुताबिक होंगे, और हमारे हाउसेज में भी जो आईन और कानून बनेगा वो उस कुरान और सुन्नत के ताबे होकर बनेगा। अगर उसकी आजादी नहीं, जो बन चुका वो बन चुका, और जो चीजें नहीं हैं खामोशी इख्तियार की शरीयत, उसमें कानून साजी करें लेकिन उस निगाह से करें जो कुरान और सुन्नत ने आपको दी। हम किस तरह पाबंद बनाए गए थे, लाइला का मतलब ये था कि आप पूरी जिंदगी के किसी शोबे में इस तरह नहीं सोच सकते, नहीं कर सकते, नहीं मामला कर सकते, किसी मिल नहीं सकते जिसमें अल्लाह की शरीयत से बगावत होती है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम। और आप जानते हैं कि हुजूर ने इसी बात पर इसरार किया कि असल किबरियाई और बर्तरी से अल्लाह को जेब देती है। तुम समझते हो कि हुक्मरान बड़े हैं ना, ये जो हमारे सफीद जाते रहे हैं ना ईरानी दरबारों में या अपने कैसर के दरबारों में, शामी दरबारों में, वहां उनके साथ जो मुकालमा होता रहा उनका, मसलन रुस्तम का मुकालमा तो खैर बहुत मशहूर है, कैसे रबी बिन आमिर गए, मुआज़ बिन जबल गए, मुगीरा बिन शोबा गए, लेकिन रबी बिन आमिर के साथ उनकी बात हुई तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों आए हैं यहां। उन्होंने कहा जनाब गलतफहमी हुई है आपको, हम आए नहीं हैं यहां, अगर हम खुद आए होते ना तो हमारी पिछली तारीख में आपको वाकया दिखा सकते हैं कि अरब उठकर कभी आप पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा इसी बात पे तो हम हैरान हैं कि तुम्हारी पूरी तारीख इस बात पे खाली है कि तुम कभी हम पर चढ़ के नहीं आए, बल्कि जब भी हमने देखा ना कि तुम्हारे अंदर बगावत के जज्बात पाए जाते हैं, हम चार अफसरों को भेज देते, वो तुम्हारा कसमल निकाल देते थे, लेकिन अब तो तुम आए हो हम पर चढ़कर। उन्होंने कहा हम नहीं आए, हम भेजे गए, अब तो ही सुना हमें भेजा गया है। वो हैरान परेशान, किसने भेजा है तुम्हें? फिर उन्होंने थोड़ी तफसील बताई कि अल्लाह के नबी हम ही में से थे, हमारे भांजे भतीजे चचा हमारे रिश्तेदारों में से थे, एक कुरैश में से थे, उनको अल्लाह ने नबूवत दी, उनका खानदान भी बड़ा अच्छा था और वह अपनी जात के अतबार से बेमिसर और बेऐब थे। हम जानते तो उन्हें किस तरह की जिंदगी गुजारी है, वह कभी झूठ नहीं बोल सकते, हम उन पर ईमान लिया। उन्होंने एक उम्मत बनाई, उनको एक आईन दिया, एक किताब दी उनको जिसका नाम कुरान करीम है, उसने हमें दुनिया से जाते हुए सबक दिया कि लोगों जजीरा अरब की हद तक तो मैं अपना फर्ज अंजाम देकर जा रहा हूं कि जजीरे में मैंने अल्लाह की बंदगी नाफिज कर दी है और शैतान को यहां से निकाल दिया, अब यहां सिर्फ अल्लाह की बंदगी होगी, यानी उसी का आईन और कानून चलेगा, उसी की इबादत हो। यह काम मेरे बाद जो अधूरा छोड़ के जा रहा हूं यह तुम्हें करना। पूरी दुनिया में जहां जहां कुफर की हुकूमतें हैं उन हकूमतों को इस्लाम की हुकूमतों से बदलना, वहां के लोगों तक इस्लाम की दावत पहुंचानी है, उनके दिलों में इस्लाम को उतारना है। जो काम मैंने किया है ना वो तुम्हें करना, वही बात इकबाल ने हमें कही थी, लेकिन हमें इकबाल की काम की बात तो सुनती ही नहीं है ना, दूसरी बातें बहुत सुनती है। उन्हें कहा वक्त फुर्सत है कहां, काम अभी बाकी है, तुम्हें फुर्सत कहां से मिल गई कि वक्त फुर्सत है कहां, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इतमाम अभी बाकी है,
हुजूर ने नूर का तौहीद का नूर फैलाया था जजीरा अरब की हद तक, बाद में सहाबा ने उसे मशक वस्ता में हत्ता गुंदरस तक फैलाया, अब पूरे हिंदुस्तान में जहां अभी तक नहीं पहुंचा फैलाना और पहुंचाना और गालिब करना, इस उम्मत के फराज में शामिल कहा हमें फुर्सत का, बल्कि क्यामत तक इस उम्मत को फुर्सत नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा हमें इस फर्ज की वजह से और हुजूर के हुक्म की वजह से हमें भेजा गया है आपके सामने ताकि हम अल्लाह का दीन आपके सामने पेश करें। उन्होंने कहा चलिए मुझे तो ये बातें समझ में नहीं आती तुम क्या कह रहे हो, लेकिन चलो मैंने मान लिया तुम्हें भेजा ही होगा किसी ने, लेकिन ये बताओ तुम आए क्यों। उन्होंने कहा ये तीन मकसद हैं नहायत इख्तिसार के साथ कि पूरी दुनिया में जो असल फसाद की जड़ है ना वो ये है कि इंसानों ने इंसानों को गुलाम बना रखा है, इंसानों के बनाए हुए आईन और कवानीन वो इंसानों पर हुक्मरान, इंसानों की बनाई हुई तहजीब इंसान पर गालिब है, इंसानों ने कितने इंसानों को गुलाम बना रखा है, कितने गालिब तबके और ग्रोह हैं जिन्होंने कुछ लोगों को अपना महकूम बनाकर अपनी हुकूमतें कायम कर ली, यानी उसकी शक्लें मुख्तलिफ है, चाहे वो वडेरे हों चाहे वो जागीरदार हों चाहे वो फौज के जनरल हों चाहे वो नाम नेहाद हुक्मरान हों, उन्होंने जो अपनी मर्जी मुसल्लत कर रखी है, कहा हमें इसलिए भेजा गया है कि हम इस गुलामी की जंजीरें तोड़ने आए। अब शायद आपको कोई ख्याल आया हो कि जिससे हमने आजादी हासिल की थी ना वो असल में इंसान की गुलामी से की थी, कि कोई इंसान इंसान पर हुकूमत ना करे, इंसानों का बनाया हुआ आईन हुकूमत ना करे, उनके बनाए हुए तौर अतवार इंसानों पर गालिब ना हो, बल्कि हर चीज जो आए वो एक टकसाल से निकलकर जिसको अल्लाह और रसूल की टकसाल कहते हैं और जिसका मरतब कुरान और सुन्नत है, और हम किसी को नहीं जानते, किसी आईन किसी कानून किसी तहजीब किसी सकाफत को हम नहीं जानते, और कुरान की मैं बार बार इसकी तरदीद की, कहा तुम्हारे सामने कुरान की रहनुमाई मौजूद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी उस्वा हसना के तौर पर और मिनारा नूर के तौर पर तुम्हारे सामने है, तो मैं इसे इसको फॉलो करना इसके पीछे चलना, कहा इसलिए हम आए हैं कि हम इंसानों को इंसानों की बंदगी से और उनकी गुलामी से निजात दें। उन्हें कहा अच्छा और, तुमने कहा तीन बातों के लिए आए हैं और क्या काम। उन्हें कहा और हम इसलिए आए हैं कि इंसान अजीब है, जो खासतौर पर मालदार लोग हैं ना उनकी मालो दौलत से मोहब्बत है और जो हुक्मरान है उनकी हुकूमत की कुर्सी से मोहब्बत है, इस मोहब्बत ने उनकी यहां की मुख्तसर जिंदगी को बहुत तवील कर दी, वो समझते हैं इस जिंदगी पर कभी खिजा नहीं छाएगी, कभी हम मौत का शिकार नहीं होंगे, जो हुक्मरान है वो समझता है मेरी हुकूमत को कभी खतरा दरपेश नहीं होगा, जो हुप्पे सर वो समझता मानो दौलत में मैं हमेशा खेलता रहूं, जो किसी जागीर का मालिक है उसको जागीर की वसत अपना पहचानने की इजाजत नहीं देती। कहा ये जो है ना कि दुनिया को हमने बहुत लंबा समझा बहुत तवील, और आखिरत जो वाकईतन तवील है उसको हमने वाकईतन बहुत छोटा समझा, कहा हालांकि दुनिया तंग है, यानी किसी आदमी बहुत भी लंबी उम्र पाए 100 साल से आगे क्या बढ़े, अब वर्द खाली मिलती है मिल जाए तो जरा वैसे पागल हो जाता आखिर उम्र का, वो अर्जन उम्र का शिकार होता है जिसकी हुजूर ने मांगी है कि या अल्लाह उस रद्दी उम्र से मुझे बचाना, उस वक्त जिंदा रखना जब मैं जिंदगी के काबिल रहूं। मौला मुल्का आजाद किसी ने पूछा था, बल्कि दुआ दी उन्हें कि अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, तो जैसे उनकी आदत थी कहने के मेरे भाई जितनी उम्र भी हो करीने की, जो लोगों के काम आ सके, और जिसमें आदमी अपनी जो करना रहे वो उम्र किस काम की, तो देख लीजिए कि आदमी को उम्र है कितनी 60-70 साल, और इसको वो यूं समझता है जैसे कभी खत्म नहीं होगी, और क्यामत आने के बाद फिर नहीं वापस जाएगी, वहां से अबदी जिंदगी शुरू हो जाती है, जो अबदी जिंदगी है उसके लिए हम कोई तैयारी नहीं करते, लेकिन ये छोटी सी जिंदगी है रात दिन उसकी फिक्र में लगे हुए। हुजूर ने लपेट के इरशाद फरमाया था, कहा लोगो जितने दिन तुम्हें दुनिया में रहना है ना उसके लिए उतनी मेहनत कर, और जितने दिन तुमने आखिरत में गुजारने उसके लिए उतनी मेहनत कर, तनासुब निकाल लो, तो पाचा गया किसके लिए कितनी मेहनत दरकार है। लेकिन इन 60-70 सालों के लिए तो हम मेरे ख्याल में शबो रोज लगे हुए हैं, बालो 36-37 घंटे भी काम करते हैं, और 12-14-16 घंटे काम करने में तो आम लोग लगे हुए,
लेकिन जो अबदी जिंदगी है उसके लिए काम करने के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं है। आप किसे पूछें कि साहब आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, कहते हो जी कारोबार से फुर्सत नहीं मिलती। आप अजीजों के काम क्यों नहीं आते, कहा जी अपना धंधा ही नहीं छोड़ते। और किसी हवाले से आप पूछें कि आप उस नेकी काम में क्यों नहीं वक्त देते, कहा वक्त हो तो देना, दुनिया के काम नहीं चलते। इसका मतलब यह छोटी सी दुनिया वह तो हमसे इतना वक्त मांगती है, और जो इतनी वसी दुनिया है उसके लिए कुछ नहीं। कहा एक बात हम ये हम तुम्हें बताने के लिए आए हैं कि दुनिया से की तंगी से निकाल कर हम तुम्हें आखिरत की फराखी में दाखिल करना चाहते हैं। जिसने आखिरी आखिरत की फराखी पहचान ली उसको दुनिया की तंगियों से कभी शिकवा नहीं। वो रूखी सूखी गुजार खाता है ना तो ऐश करता है, और यही वजह है कि वो लोग किसी हाल में भी कभी परेशान नहीं होते थे। हसन अबू हुरैरा फरमाते हैं कि बाद भूख की शिद्दत की वजह से हम बेहोश हो जाते और लोग समझते हमें मिर्गी के दौरे पड़ते, हालांकि मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते थे, हमें भूख बाद बेहोश कर देती। लेकिन कहा जब भूख बहुत सताती ना तो हम दो रकअत नमाज नियत करके खड़े हो जाते नियत बांध के। अब जो उन्हें नमाज पढ़ते हुए देखता ना और उनके चेहरों की शगुफ्तगी को, चेहरे की बहार को, और चेहरे पर सिर्फ अल्लाह ही का गम बसा हुआ और उनकी रऊनत को देखता तो वो कहते ये लोग भूखे सवारी पैदा नहीं होते, ये तो हुक्मरान मालूम होते। गालिबन इमाम शिबली ने फरमाया था ये किसी और का कौन है, कहा अगर लोगों को पता चल जाए ना कि हम अपने चीत अपने बोरिए पर बैठकर रूखी सूखी खाकर किस कदर ऐश में मुबतला है और कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ये लोग हमारा ये बोरिया भी छीन लें, हमें यहां ना बैठने। कहा तुम्हें किसी को तख्त पर बैठकर मजा नहीं आता जो हमें बोरिए पर बैठकर मजा आता, लेकिन ये उसी को आता है जिसका ताल्लुक आखिरत से और अल्लाह से हो जाता है। और तीसरी बात कही कि तीसरा इसलिए आए हैं कि दुनिया को जिस तरह हुब्बे ज़र ने तबाह किया है और गुलामी ने तबाह किया, उस तरह गलत मजाहिब ने भी तबाह किया। किसी ने तुम्हें कफारे का अकीदे के पीछे लगा रखा, किसी ने कहा कि तुम अपने जो पीर फकीर और मौलवी तुमने बना रखे जो पादरी और राहिब हैं उनको बस तुम फतूहा देते रहो वो तुम्हारी आकबत के जिम्मेदार बन जाए, तुम निजात पा जाओ। कहा तुम्हें तरीके तरीके से बहकाया गया, हम इन तमाम गलत मजाहिब की जंजीरें तोड़कर तुम्हें इस्लाम के निजाम अदल व इंसाफ के नीचे लाना चाहते। ये वो तीन चीजें हैं जिसको आजादी कहते हैं, ये असल में हमारा हदफ था और हमने इसी पर वादा किया था अपने अल्लाह से, हमें और कुछ नहीं चाहिए था। हम तो इन तीन बातों के लिए उठे थे और जो हमारे पढ़े लिखे लोग थे वो जाहिर इसको पहचानते थे। हम तो इसलिए उठे थे कि अल्लाह की हाकिमियत को नाफिज कर दें, यह हमारा असल हदफ था और ये एक मुसलमान का असल हदफ होना चाहिए। यह 14 अगस्त को हमने इसी बात का अहद किया। बस आखिर में सिर्फ इतना कहता हूं कि यह मुल्क अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अब फलस्तीनियों से पूछो मुल्क और वतन किसे कहते हैं, कश्मीरी जो रात दिन जल मर रहे हैं उनसे पूछो वतन किसको कहते हैं। ऐसे इस नेमत की अगर कदर करनी है ना तो वो इसी तरह है कि जिन वादों से हमने ये नेमत ली थी अल्लाह से उसका ईफा की कोशिश करें। इसे मैं इसके सिवा और क्या कहूं कि कौन बाब सियासत को यह समझाए रियाज ये शिकस्ता सा मकान, जैसा भी है अपना तो है, ये नहीं होगा तो क्या करो, खुदा के लिए अमरीका के हवाले ना करो इसे, वो इसे किसी के रहने के काबिल नहीं छोड़ेगा। अपनी जंग आप लड़ो, आप अपनी फिक्र करो, और अभी वक्त है कि अभी भी कुछ कर लो कि मेरी मानो चलो मंझधार में मौन जो से टकराए। कहा ये हुक्मरानों तक ये बात पहुंचा सके कि मेरी मानो चलो मंझधार में मौजों से टकराए वगरना देखना साहिल पे सारे डूब जाएंगे। और यह भी मैं कहता हूं कि मैं दरिया की रवानी देखकर जांबाज कहता हूं कि दरिया ही में दरिया के किनारे डूब जाएंगे। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।